हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उल्लू के सीईओ की अरेस्ट होने की। यस गाइस, सो अगर आपको अभी तक नहीं पता इस मामले में क्या हुआ है एंड क्यों अरेस्ट हुए हैं उल्लू के सीईओ जो कि विभु अग्रवाल, एंड क्या हुआ है ऐसा, ये सब मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा अगर आपको डिटेल में जानना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखने के बाद हेल्पफुल लग जाए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ गाइज, ऐसे टाइप के लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए मेरा नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। सो पहले डिस्कस करते हैं कि उल्लू के जो सीईओ हैं उनको अरेस्ट का वारंट क्यों आया है। तो देखिए गाइज, उनको अरेस्ट मतलब एक 28 ईयर्स ओल्ड औरत जो कि महिला है वो दावा कर रही हैं कि ये जो उल्लू के जो सीईओ हैं जो कि विभु अग्रवाल, उनको फोर्स किए हैं, मॉलेस्ट किए हैं, उन्हें फोर्स करके बोले हैं कि भाई अपना मतलब उनके जो प्राइवेट वाले जो ऑफिस है उनमें वहाँ बुला के उन्हें बोले थे कि वो अपना वस्त्र यानी कि अपने कपड़े उतारे। अगर वो मतलब वो महिला अगर ये जो सीईओ जो बोले हैं वो अगर नहीं मानी तो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा उनके साथ और उनके परिवार के साथ, ऐसा कहना है उन महिला का। तो ये कितनी सच्चे मतलब सच है या झूठ है वो तो भाई महिला जाने, भगवान जाने और सीईओ जाने। लेकिन सबसे बड़ा मतलब शौक तो विभु अग्रवाल जी को तब लगा जब वेनसडे में उनके खिलाफ़ एफआईआर कटा, यही औरत ने ही उनके खिलाफ एफआईआर काटा है और उनके अंडर मतलब उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं जैसे कि 354A आईपीसी सेक्शन के अंडर जो कि सेक्सुअल हरासमेंट, 354B जो कि क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन और एबेट सच एक्ट्स विद एन इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग, 506 जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड 34 एक्ट। ये सब कुछ जो है विभु मतलब एक्ट डन बाय विद कॉमन इंटेंशन बाय टू और मोर पर्संस। तो ये सारे जो आईपीसी के जो धाराएं हैं वो विभु अग्रवाल में लगे हैं और ये केस जो है वेनसडे के रात को रजिस्टर्ड हुआ है। तो ये मैं बता दूँ, ये पूरी की पूरी जो घटना जो मतलब जो ये जो मॉलिस्ट करने की जो घटना है वो जो विभु अग्रवाल के जो एक अंधेरी वेस्ट जो कि मुंबई के उनके एक ऑफिस में हुआ था, ये दावा कर रही हैं ये महिला। और उनके साथ जो मॉलेस्ट हुआ था वो जून 18 इसी साल हुआ था। तो देखते हैं गाइस कि ये बात में कितनी सच्चाई है क्योंकि आने वाला वक्त ही बताएगा, या उनको सिर्फ मतलब फेक फेमिनिज्म यानी तो फेक एलिगेशन लगा के कोई उनको बदनाम करना चाहता है वो भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको इस मतलब इस इंफॉर्मेशन मतलब इस मामले में अगर आपको बहुत ज़्यादा और डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होगा मैं इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर दे दूँगी।